वहीं मध्य प्रदेश में मेयर के टिकट को लेकर पार्टियां असमंजस में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब विधायकों ने भी मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। आखिर विधायक मेयर का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इसके पीछे के सियासी समीकरण क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेयर के टिकट पर पार्टियों की दुविधा, कई विधायकों ने भी जताई इच्छा। अब तक दिग्गज नेता मेयर के टिकट की पैरवी कर रहे थे, लेकिन अब उनमें से कई खुद भी टिकट की रेस में शामिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बड़े निगमों में विधायक भी टिकट के दावेदार हैं। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल में ज्यादा दावेदारी है। विधायकों की दावेदारी से पार्टियों में असमंजस की स्थिति है। भोपाल से कृष्णा गौर, इंदौर से रमेश मेंदोला टिकट के दावेदार हैं, तो उधर गोविंद मालू भी टिकट की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर में पूर्व मंत्रियों की दावेदारी ज्यादा है। पूर्व मंत्री माया सिंह टिकट की इच्छा जता चुके हैं, तो वहीं जबलपुर में अजय बिश्नोई मेयर के टिकट की रेस में हैं। ये तो हुई बीजेपी की बात, अब कांग्रेस के बारे में भी आप जान लीजिए। इंदौर से विधायक संजय शुक्ला का नाम पहले से ही तय है, तो वहीं जबलपुर में तरुण भनौत और विनय सक्सेना का नाम तेजी से उभरा है। अब सवाल है कि आखिर इससे पार्टियां दुविधा में क्यों हैं? तो बताया जा रहा है कि विधायकों की दावेदारी से नए मापदंड कागजों में रह सकते हैं। 50-50 का फॉर्मूला लागू करने में दिक्कत हो सकती है, नए चेहरों को मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए, कमलनाथ जी ने दो तीन बातें बहुत अच्छी कह दी हैं, जिससे कि कांग्रेस का सच उजागर हो गया है। पहली चीज़ तो वो विधायकों को ही टिकट देंगे, मतलब उनके पास हम नेता नहीं बचे नगर निगम में। जो उनके सिटिंग एमएलए हैं, उनको लग रहा है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तो वोट मिल जाएंगे कम से कम, तो वो उनको दे देंगे। तो दो सीट खराब करेंगे, एक विधायक की और एक महापौर की। दूसरी बात, उन्होंने कहा उनको नहीं तो उनकी पत्नी को दे देंगे, बेटे को दे देंगे। हम यही तो कहते हैं कि वंशवाद की बेल पर कितने दिन फल उगाओगे कमलनाथ जी। अच्छा हुआ आज आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि आपके पास ऐसे कार्यकर्ताओं का टोटा है जो जनता के बीच जा सकते हैं, और हमारी आपको शुभकामनाएं इस डूबती नैया के लिए। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में सक्रिय है, वो पदों के ऊपर आए, चाहे महापौर का हो चाहे विधायक का हो। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जैसे हमने इंदौर में देखा है पिछली दो बार से, जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक होते हैं वही भाजपा से महापौर होते हैं। तो ये चीज़ समझ में भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ओपन है, कांग्रेस पार्टी में हर एक प्रत्याशी जो है, जो जनता के बीच में रहा है, चाहे विधायक हो, रहा हो या किसी और संवैधानिक पद पर रहा हो या अभी हो, जनता के बीच में जो सक्रिय है, सक्रियता को प्राथमिकता दी जाती है, और जो सक्रिय होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी तो कोशिश ये है कि अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ से लोग आएँ, आगे आएँ, अलग अलग वर्ग से आएँ और सब जनता का प्रतिनिधित्व करें और जनता का साथ दें। कहा जा रहा है कि बीजेपी के विकल्प ज्यादा हैं, इसीलिए वो विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को निकायों में लड़ाने से परहेज कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास विकल्प कम हैं। फिर भी अगर सभी जगहों पर विधायकों को तरजीह मिली तो पहले से मेहनत कर रहे नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है, और उस स्थिति में भीतरघात की भी आशंका हो सकती है। जो विधायकों का कार्यकाल जो है वो 23वें अगले साल समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे में जो भोपाल से जो दावेदारी हो रही है या और भी शहरों में दावेदारी हो रही है महापौर पद के लिए, तो वो निश्चित रूप से यही दर्शाता है कि वो अपने 5 साल को सुरक्षित करना चाहते हैं। और फिर नगर सरकार जो होती है और शहर की प्रमुख और प्रथम महिला प्रतिनिधि बनने का शौक़ हर किसी को है, तो चूँकि कृष्णा गौर जो है वो पहले रह चुकी हैं यहाँ पर, तो उनका दावा मजबूत है। लेकिन साथ ही जो एक और राजू मालवी जो नाम है बीजेपी से, वो भी काफ़ी सशक्त है, क्योंकि कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ तो विभा पटेल पूर्व महापौर है, उनका स्वाभाविक दावा है और वो महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं इस समय। हालांकि पार्टियों ने टिकट के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किया है, उस पर अगर गौर करें तो प्रत्याशी चयन के लिए 3-लेयर व्यवस्था होगी। 50% महिला उम्मीदवार होंगी, परिवारवाद से पार्टी दूरी रखेगी, 2-3 बार के पार्षदों को मौका नहीं मिलेगा। मेयर पार्षद के लिए 80% नए चेहरे होंगे, 50 से कम उम्र वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, डॉक्टर, प्रोफेसर, CA को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह बात करें कांग्रेस की तो युवाओं को मौका मिलेगा, ज्यादा उम्र वालों को पार्टी टिकट नहीं देगी, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। पार्टियों का दावा है कि शीर्ष नेतृत्व से क्राइटेरिया पर मोहर लगते ही दावेदारों की स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी,
लेकिन ये संभव तभी है जब विधायक टिकट की रेस से हटने को तैयार हों। वैसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मेयर के टिकट के लिए विधायक रेस में क्यों आना चाहते हैं? तो दरअसल इंदौर भोपाल के मेयर का कद विधायक से ज्यादा होता है। दोनों शहरों में महापौर का दबदबा रहता है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा निगम है। इंदौर नगर निगम का बजट 4,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। इंदौर भोपाल मेयर के पास वित्तीय अधिकार ज्यादा है, इसीलिए विधायक मेयर का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। महापौर को लेकर भी अब लगातार जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो ऐसे तमाम विधायक हैं जो वर्तमान में महापौर बनना चाहते हैं। दरअसल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कई विधायकों को यह अंदेशा है कि उनका टिकट कट सकता है। अगर वो महापौर बनेंगे तो कहीं ना कहीं नगर सरकार का जो महत्व बड़ा है, जो पावर बड़ा है, वो उसके हकदार होंगे। इतना ही नहीं, उदाहरण के रूप में इंदौर में मालनी गौड़ और कैलाश विजयवर्गीय भी सामने आए हैं। साथ ही साथ कृष्णा गौर को भी भोपाल में महापौर के बाद मिले पावर सभी ने देखे हैं, और शायद यही वजह है कि विधायक भी महापौर बनना चाहते हैं। विजिलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। तो कुल मिलाकर सारा खेल पावर का है। विधायक से ज्यादा पावर मेयर की है, और इसीलिए विधायक की छोड़कर अब लोगों की दिलचस्पी मेयर बनने में जाग उठी है। अब इसमें खबर तो यह है कि विधानसभा चुनाव 2023 में है, उससे पहले निकायों के चुनाव हो रहे हैं। विधायक अभी दांव आजमाना चाहते हैं, जीत गए तो 2023 में रिस्क नहीं उठाना होगा, क्योंकि 2023 में टिकट से लेकर जीत की जद्दोजहद करनी होगी।